मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से रिहा हो गए। आज राजघाट और मंदिर जाएंगे मनीष सिसोदिया। 10 बजे जाएंगे सीपी स्थित हनुमान मंदिर मनीष सिसोदिया। 11 बजे राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि देंगे। 12 बजे आप मुख्यालय में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, 17 महीने बाद जेल से बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत है, जहां विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, तो दिल्ली सरकार के मंत्री की तमाम जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कहां कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया? जी जी, जैसा कि जो मनीष सिसोदिया लगभग 530 दिनों बाद जेल में रहे, उसके बाद कल उन्हें जमानत मिली और आज सुबह उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा 17 महीनों बाद आजादी की ट्वीट, जो कि दर्शा रहा है कि कितनी खुशी और उत्साह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी और खुद मनीष सिसोदिया में भी है। वही अगर उनके कार्यक्रम की बात करें तो पहले उनका कार्यक्रम 9 बजे से चालू होना था, लेकिन उसमें थोड़ी बदलाव आया और अभी देखा जा रहा है कि 10 बजे जो है दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर जो की कनॉट प्लेस में स्थित है वहां पर वो जाएंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद 11 बजे वो राजघाट जाएंगे, जहां पर महात्मा गांधी को वो नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद लगभग 12 बजे के करीब जो है आप मुख्यालय जो कि राहुल गांधी कोर्ट के पास मौजूद है वहां पर पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद भी वो कई जगह जाने के जो है उनके कार्यक्रम बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो यही बता रही है कि 12 बजे जो है जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो उसमें अपने जेल के जो है एक्सपीरियंस अनुभव वो साझा करेंगे, कैसे उन्होंने 17 महीने जेल में काटे और अब जब वो उन्हें आजादी मिल चुकी है तो आजादी की चाय उन्होंने चुस्की ले चुके हैं, पहले ही ट्वीट भी कर चुके हैं इसको, सुबह तकरीबन 7 बजे ट्वीट देखने को मिला, जिसके बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा है और स्वागत के लिए जो है पार्टी कार्यकर्ता भी तैयार है पूरी गर्मजोशी के साथ। कल भी हमने देखा तिहाड़ जेल से निकलते ही आतिशबाजी और उन पर फूल बरसाए गए, काफी अच्छे से भव्य स्वागत जो है मनीष सिसोदिया का किया गया और अब वापस जो है उनका स्वागत करने के लिए पार्टी मुख्यालय पे भी जो लोग लगातार जुटना चालू हो चुके हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब लोकसभा इलेक्शन के टाइम जब रिहा हुए थे जेल से, उनका भी स्वागत जो है बिल्कुल भव्य किया गया था पूरी गर्मजोशी के साथ, ठीक उसी प्रकार जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है जो दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनके स्वागत की तैयारियां भी पूरी जोरों शोर से करने की यहाँ पर जो है चालू कर दी गई है पार्टी मुख्यालय की तरफ से। और पार्टी के तमाम जो एक कार्यकर्ता है, विधायक है, तमाम सांसदगण है, वो सभी जो शामिल होने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है। कल हमने देखा था मनीष सिसोदिया जब सीएम आवास पहुंचे थे दिल्ली में सिविल लाइन से, तो उन्होंने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी श्वेता केजरीवाल से मिले, फिर उनके माँ बाप से मिले, उनके बच्चों से मिले और वहीं पे संजय सिंह, संदीप पाठक और आतिशी मालेना भी मौजूद रही। सबसे पहले जेल से निकलने से पहले भी उन्होंने जो है संजय सिंह से गले लगा था और अपने उनकी जो झलक थी खुशी काफी नजर आ रही थी उनके चेहरे पर, क्योंकि लगभग 17 महीनों से वो तिहाड़ जेल में बंद थे कथित शराब घोटाले के मामले में, लेकिन अब जो है उन्हें 10 लाख बेल बॉन्ड जमा करने के बाद और अपना पासपोर्ट जमा करने के तमाम शर्तों के बाद जो है उन्हें रिहा मिल गई है। हालांकि बीजेपी अभी भी जो है इस पर हमलावर नजर आ रही है, चाहे बांसुरी स्वराज हो या फिर अभिनंदन, तमाम ये सांसद लगातार आम आदमी पार्टी को अभी नसीहत दे रहे हैं कि अभी ज्यादा जश्न ना मनाए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जमानत है जो कि 10 लाख बेल जमा करने के बाद मिली है, अभी इनको रिहा नहीं किया गया है। तो ऐसे में देखना यह भी होगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी खुशी का कोई अंकुश लगता है या नहीं, क्योंकि अभी बहरहाल जो अपडेट है वो यही बताती है कि मनीष सिसोदिया के स्वागत के लिए पूरी तरह से जो है आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता तैयार है। बिल्कुल विशाल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।